हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे NSCL असिस्टेंट के बारे में, इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा प्री और मेंस दोनों में कितना कट ऑफ गया था, इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो 2021 में NISL असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट आने वाला है उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है स्टेट वाइज वैकेंसी आती है NISL असिस्टेंट की, तो आपका स्टेट वाइज कट ऑफ अलग अलग जाता है। ठीक है, और इसमें आपका प्री मेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, बस कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल कट ऑफ है प्रीलिम एग्जाम का। ठीक है, जो आपका 2018 में इसका एग्जामिनेशन हुआ था, 8/9/2018 को इसका एग्जाम हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8/9/2018 को इसका एग्जाम हुआ था। अब बात करते हैं कट ऑफ की, तो यहाँ पे आप अपने स्टेट के हिसाब से कट ऑफ देख सकते हैं। मैक्स इसकी जो कट ऑफ गई थी 90 नंबर का कट ऑफ गया था। अगर मैं पूरे स्टेट को मिला के बात करूँ तो 90 नंबर मैक्स टू मैक्स इसका कट ऑफ गया था, और मिनिमम 70 नंबर इसका कट ऑफ गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 74 मिनिमम यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये जो पूरे स्टेट यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे के पूरे स्टेट मिला के मैक्स टू मैक्स 91 कट ऑफ इसमें गया हुआ है। ठीक है, आप फिर से आप देख सकते हैं अपने स्टेट का कितना कट ऑफ गया था, तो पेपर का लेवल आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि कितना ईजी आया होगा, जो कि 100 में से 91 कट ऑफ गया था, तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन इसका करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ की, कि सेक्शनल कट ऑफ इसमें कितना गया था। इंग्लिश की बात की जाए तो 14.75 नंबर कट ऑफ गया था, रीजनिंग में 16.25 और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 17.75 नंबर इसका कट ऑफ गया था आउट ऑफ 35। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 से और इंग्लिश में 30 में से इतना नंबर गया था कट ऑफ सेक्शनल। ओके, तो यहाँ पे सेक्शनल भी बहुत हाई जाता है, तो इसी वजह से अच्छे से इसको प्रिपेयर करना होगा। अब बात करते हैं मेंस कट ऑफ के बारे में, जो कि आपका 6/10/2018 को इसका मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था। मिनिमम कट ऑफ की बात की जाए तो 150 नंबर गया था आउट ऑफ 200। ठीक है, मिनिमम, और मैक्स टू मैक्स में बात करो तो 180 तक यहाँ पे कट ऑफ गया था आउट ऑफ 200। ठीक है, आप अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पॉज कर दे रहा हूँ, पूरा देख सकते हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से। मिनिमम 150 नंबर और मैक्स टू मैक्स 180 नंबर, 179 यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैक्स टू मैक्स 180 नंबर तक आपका यहाँ पे मेंस का कट ऑफ गया था, जो कि बहुत ही इजी था, इसी वजह से इतना कट ऑफ गया है 200 में से 180 नंबर। मतलब आप पेपर का लेवल जान सकते हैं कि कितना पेपर इजी आता होगा, और इसी वजह से काफ़ी लोगों के सिलेक्शन नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि पेपर का लेवल ईजी आता है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड प्रिपरेशन करना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में ही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।